हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा पिक्चर ट्यूब का एक फॉल्ट के बारे में। तो फ्रेंड, पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम बहुत तरीक़े से होता है। पिक्चर ट्यूब का कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कभी ठीक नहीं होता है। यही के बारे में आज जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीवी को ऑन करके दिखाऊँगा क्या प्रॉब्लम हुआ है पिक्चर ट्यूब का। तो चलिए टीवी सबसे पहले ऑन करके देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीवी का पावर स्विच मैंने ऑन किया और टीवी का अंदर से आवाज़ आ रहा है। ऐसा आवाज़ आ रहा है कि टीवी ऑन हो गया लेकिन पिक्चर ट्यूब में लाइट नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम हुआ है और इसके लिए क्या करना चाहिए, यही आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम देखने के लिए टीवी को मैं दोबारा फिर से और एक बार ऑन करूंगा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट बिगनिंग कलर हो गया, पर्पल कलर। तो यही प्रॉब्लम है पिक्चर ट्यूब का। और टीवी तो ऑन हुआ लेकिन पिक्चर ट्यूब का अंदर से एक प्रकार आवाज़ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट जल रहा है, इसका मतलब समझना होगा टीवी का सर्किट बोर्ड ओके। और पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट पर्पल कलर हो गया है, इसका मतलब समझना होगा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है पिक्चर ट्यूब। ये कभी ठीक नहीं होगा, इसे चेंज करना ही पड़ेगा। ये एक पिक्चर ट्यूब का ऐसा प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।